मैं आज आपको ग्लास पेंटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें हम ग्लास के ऊपर किस तरह से काम करते हैं और ग्लास के ऊपर काम करते समय हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। एक तो ग्लास पेंटिंग काम करते समय अगर हमारे पास ग्लास नहीं है तो हम OHP शीट, प्लास्टिक की है, OHP शीट ले सकते हैं। इस OHP शीट को लेकर के हम इस OHP शीट को किसी भी ड्राइंग के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से ड्राइंग के ऊपर हमने लगा लिया, लगाने के बाद हम अपने पास में ग्लास कलर भी रखेंगे, एक OHP पेन भी रखेंगे। उस पेन से हम क्या करेंगे, उसके बाद जो ड्राइंग हमने किसी जो भी चीज़ बना रहे हैं उस शीट के ऊपर हम पहले इस लाइन से हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ करते हुए हम इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे, जो ब्लैक आउटलाइन है, और इस ब्लैक आउटलाइन से हमको आउटर लाइन जो कि मिल जाएगी। इस तरह से हम ड्राइंग करते हुए हम जो ग्लास के ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है उसी काम को हम अपने इस प्लास्टिक की सीट के ऊपर करने की करके हम इसको देख रहे हैं। और फिर उसके बाद आउटलाइन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसमें ग्लास कलर भर करके और फिर हम इस ड्राइंग को ग्लास कलर से पूरा करेंगे। अब आप देख सकते हो कि मैं लाइन कर रहा हूँ, और हमेशा ग्लास पेंटिंग में जो काम किया जाता है वो पीछे की ओर किया जाता है, मतलब बैक साइड से जहाँ से भी हम वर्क करते हैं और उसका फ्रंट साइड जो है वो हमारी तरफ विजुलाइज होगा। तो इस तरह से आप पहले इसकी लाइनिंग करो, फिर उसके बाद फिर हम इसमें कलर्स भरेंगे और इस तरह से हम ग्लास पेंटिंग को पूरा करेंगे। तो किसी भी ड्राइंग के ऊपर आप OMR शीट को रख करके और उसको टेप से लगा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जब उसको स्केच कर रहे हैं उसके ऊपर तो वो ड्राइंग हमारी हिलनी नहीं चाहिए। अगर ड्राइंग हिल जाएगी तो हमारी इमेज अलग अलग हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से हम अपनी ड्राइंग को पूरा कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ड्रॉ किया, चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ और उसी हिसाब से कर रहा हूँ। फिर हम इसके ऊपर लाइनर लाइन से कलर लगाएंगे। और सिंपल तरीके से हमें चीज़ें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरह से ये जो प्रोसेस हो गया है ये ट्रेसिंग प्रोसेस हो गया, ट्रेसिंग की तरह। आप ड्राइंग की कॉपी में अपनी कोई भी ड्राइंग बना करके उस ड्राइंग को हम इस OMR शीट पर सेम ड्राइंग को हम इस तरह से रख करके और भी हम उसको ग्लास पेंटिंग में बना सकते हैं। अब चूंकि ग्लास की जगह हम इस पर इसे प्लास्टिक शीट के ऊपर बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हो कि मैंने लाइन की और ये इसको मैं स्केच कर रहा हूँ। इस स्केच करने के बाद मैं इसमें ग्लास कलर फिल करूँगा, और ग्लास कलर फिल होने के बाद जब ये बनेगी तब यह एक ग्लास पेंटिंग की तरह दिखाई देगी। क्योंकि ग्लास पेंटिंग कलर अलग तरह से ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं, इसलिए पहले आउटलाइनर करो फिर उसके बाद कलर फिल करो।
ये देखिए किस तरह से मैं इसकी आउटलाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे पत्ते की जरूरत है तो मैं इसको सिंपल पत्तों में बनाऊंगा, जरूरी नहीं ऐसी नकल करूँ, इसको मैं अपने तरीके से सिंपल पत्तों में कन्वर्ट करूँगा। फ्लावर है सिंपल कर दूँगा, ये फ्लावर है इसको मैं अपने तरीके से सिंपल करूँगा, तो फ्लावर है इसको अपने तरीके से सिंपल, जो कि हमें बनाने में आसान है। कलर बनने में आसान है, लाइन करने में आसानी हो, इस तरह से मैं चीज़ों को जितना बढ़ाना चाहूँ जिस तरह से करना चाहूँ। सबसे पहले आप ड्राइंग की कॉपी में स्केच, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है, ऐसे ही एक ड्राइंग की कॉपी में सबसे पहले स्केच करो, और उस स्केच करने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट रखो और वार्षिक, फिर आप उसमें उसकी स्केचिंग करो, और वाटरप्रूफ इंक वाले पेन से स्केचिंग करनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो पानी के साथ जब भी कलर लगाएं वो हमारी मिक्सअप नहीं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसमें कलर लाइन कीजिए, फिर उसके बाद हम इसमें ग्लास कलर करेंगे। उसी चीज़ को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर मैं इसमें ग्लास कलर लाइनर करके ग्लास कलर भरूँगा, तो मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा किस तरह से हमारा स्केच दिखाई पड़ेगा। जितनी हमारी लाइन है उस सब लाइनों के ऊपर हमने स्केच पेन कर लिया, हमने अपनी तरफ से कुछ पत्तियां बना ली, हमने कुछ फूल बना लिए, जैसे फूल यहाँ बने हुए हैं हमने उसको सिंपल तरीके में ड्रॉ कर लिया, और उसी तरह से हमने यहाँ पत्तियां कर ली। अब ये सब करने के बाद फिर हम इसमें आउटलाइन करेंगे, प्रोसेस बहुत ही आसान और बहुत इजी तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंस ये है इस चीज़ के अंदर कि आपको उस सीट को फिक्स करना है, जिससे कि हमारी सीट खिसके नहीं, हमने जो ड्राइंग किया हुआ है वो एज इट इज हम उसको लाइन से कर सकें। जब हम इस ड्रॉ को अच्छी तरह से लाइन से कर लेंगे तब हमारी ड्राइंग परफेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम उसमें आसानी से कलर भर सकते हैं। ये मैंने इतना कर दिया, कुछ फ्लावर्स इधर भी बना देते हैं जिससे चीज़ें सुंदर लगे, और ये पंखों की मोर की डिज़ाइन, ये इस तरह से, ये इस तरह से डिज़ाइन, इस तरह से डिज़ाइन, ये ऐसी डिज़ाइन, ये इस तरह से कलर, ये ऐसे लाइनों में डिजाइन, ये लाइनें, ये ऐसे पंखों की, और ये हम सिंपल रूप में इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर हमें इसमें कलर भर के देखेंगे, उसके बाद इसको हम पूरा करेंगे। जितना हमारे पास सीट है उसी, सबसे बढ़िया है इसमें प्लास्टिक सीट, जो कि ओवरहेड प्रोजेक्टर सीट आती है, उस सीट के ऊपर हम
ये इस तरह से वर्क कर सकते हैं। ये देखो हमने ड्राइंग कर ली। अब ये ड्राइंग आपको इस शीट से अगर निकाला जाए तो ये आपको ऐसी बनी है दिख रही है। अब इसके अंदर हम अपने अनुसार कलर कर सकते हैं। अब इस कलर करने को के लिए हम सबसे पहले इसमें ये जो लाइनर, इस लाइनर से आउटलाइन करेंगे, क्योंकि आउटलाइन के बिना कलर नहीं बनाना। ये आउटलाइन करेंगे, इसको लगाएंगे और इस पर लगाने के बाद फिर आउटलाइन करेंगे। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा होल करना है और फिर हमें आउटलाइन करनी है। तो ये चित्र पहले हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाद हम इसमें आउटलाइन करके दिखाएंगे।